अमेरिका में, और उन्होंने कहा कि मैं शख्स को और बुलाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। मैंने कहा आप बुलाए, और वो शख्स शबाज भट्टी थे जो आए। और फिर उससे अगले साल मैंने उनकी अम्मा की रैली में ऑटवा में जब 295C के खिलाफ वहां मुजाहरा हुआ और वे दुशगढ़ वहां असेंबली में गए, तो उनके भाई पीटर ने मुझे कहा कि आपने जरूर आना है और रैली को एड्रेस करना है, कलाम आपने पेश करना है। और वहां से हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई और मैं बहुत दफा उनके साथ साथ हमारी रफाकत होती थी और उनसे काम करते थे, और बहुत सी उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो अपने लीडर्स की काम करते थे, मुझे हमेशा वो आखिरी पांच मुकर्रों में रखते रहे। और एक दफा मुझे याद आता है, बाद में लोग कहते हैं मानते हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में ही ये माना, और वो शख्स अगर यहां पे है और इस बात की दायित्व करेगा कि मुझे उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत से डेलीगेट सारे हमारे से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपका तो रूहानी तौर पर एक्सटेंशन है, आप किन चक्रों में पढ़ के किसके पीछे लग के आपने कहा। मैंने उन्हें एक जवाब दिया, शायद अगर स्पिरिचुअली बात होती तो मैं शायद थोड़ा सा मान लेता आपकी बात को, लेकिन पॉलिटिकली मैं बिल्कुल समझता हूं कि जो उनकी खिदमात है और जो उनका मिशन है और जो उनको खुदा ने टैलेंट बख्शा है वो मेरे पास नहीं है। मुझे 2006 में वो तकरीबन 7 मेरे साथ हमारे पार्टनर मीटिंग थी वेस्ट वेस्टर्न में कि आप हमारे नंबर वन कैंडिडेट हो गए एमएनए के लिए, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि शुभाग भाई आपकी असेंबली में जरूर रहे होगा, लेकिन मैंने एक कसम खाई है, मैंने कहा हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है, आप खुदा से माफी मांगे तो मुझसे गलती होगी, तो मैंने कसम खा ली थी अपनी बात ना की कि मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा। और आप यकीन करेंगे मैं समझता हूं कामयाब हुआ मैं, और मैं आज इस बात को बड़े दुख के साथ भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैंने उन आखिरी लम्हों में बहुत कोशिश की। शॉर्ट करके बताना चाहता हूं, मेरा ऑफिस बिल्कुल उस जगह के सामने है, और जब मैंने फायरिंग की आवाज सुनी मैंने समझा शायद वहां 3-4 बैंक के कोने में जो बैंक को रुका जा रहा है, मैंने मैं किसी शख्स को इंटरव्यू कर रहा था जॉब के लिए, और मैंने कहा कि ये देखिए जरा मैं बैंक को नहीं रुका जा रहा। तो मेरे स्टाफ ने दूसरी खिड़की से बाहर देखते हुए सेकंड फ्लोर में मेरा ऑफिस है कहा कि नहीं सर वो तो शुभाष भट्टी साहब के घर के बाहर खाली गाड़ी पे फायरिंग हो रही है। और मैं बहुत उसी लम्हे लौटा गया, अपना स्टाफ मेरे साथ था, लेकिन उस वक्त तक वो जालिम को वो दहशतगर्दकारी नजर लगा चुके थे, और वो ड्राइवर उस वक्त बुलाया हुआ था, और मैंने उसे कहा कि गुलशेर जल्दी करो, लोग रोकने लगे कि पुलिस केस है, मैंने कहा पुलिस केस होता रहेगा, हमें इनकी जान की फिक्र करनी है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, वो निहायत ही नडर और दलेर शख्स थे, बहुत दफा मैंने जब उन्हें मशवरा दिया चंद लोग चंद महीनों पहले भी कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए, जब सलमान तासीन का ये वाक्य हुआ तो हंस के कहने लगे आप दुआ करें मैं अपने मौकों से हटने वाला नहीं। और वो बात मैंने उस वक्त देखी जब गुलशेर मुझे कह रहा था कि मैं कहता रहा साहब नीचे हो जाए नीचे हो जाए, लेकिन वो जब उनको मैं जल्दी से हॉस्पिटल लेके गया उसी तरह अपनी पिछली सीट पे बैठे हुए थे गोलियां, उनके बाद मैंने हॉस्पिटल देखा तो सारी उसके छाती में लगी थी और यहां पे चेहरे पे फैलती, उन्होंने फ्रंट से मुकाबला, उन्होंने किसी भी तौर पे ना झुके ना पीठ दिखाई। और आज हमारी कौम को ऐसे ही लीडरों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा
लेकिन जरूरत है कि ऐसे लोग ऐसे लीडरान हमारे जितने दलेरी का रूपी हो और खुदा का रूपी हो वो सामने आए। मैं शुक्र करता हूं एक किसान के जो मामले मुझे दी और मैं आपके सामने सिर्फ पढ़ूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी की सिफा 62 बाब और पहली आयत में कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, सिय्योन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा जब तक उसकी सदाकत नूर की मानद ना चमके और उसकी नजात रोशन चराग की तरह जलवकर ना हो। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमारा मुंसिफ खुदा सब कुछ देख रहा है और ये उसका कलाम हमारी हिफाजत है।